एवरीवन, ऑडियो एंड वीडियो सब सही है? गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग शोनार, गुड इवनिंग शाइस्ता, गुड इवनिंग निशार, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग, ओके सब सही है। वेट कर लेते हैं 2 मिनट सबका, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो किम, गुड इवनिंग धनंजय, किसी को कुछ डाउट है कल वाली क्लास में? गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग अरिचिता, गुड इवनिंग राजीव। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेयर्स क्या होती है अराउंड दी स्पोरोजिनस टिश्यू, के अराउंड लेयर्स क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम किस कौन सी लेयर से सराउंडेड होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, टाइप्स ऑफ स्टेमेन क्या होता है, एंड टेपटम कितने टाइप्स के होते हैं, और मोनोथिकस एंथर क्या होता है, डाइथिकस एंथर क्या होता है, ये सब। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। गुड इवनिंग अंबिका, सो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। जेनेसिस मींस क्या होता है, फॉर्मेशन, एंड माइक्रोस्पोर टर्म किसके लिए यूज होता है, पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन का अल्टरनेटिव नेम है माइक्रोस्पोर। सो माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फॉर्मेशन ऑफ पोलन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइथिकस एंथर के अंदर दो लोब्स होते हैं और हर लोब के अंदर दो पोलन सैक होता है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। कल हम लोगों ने ये
डायग्राम देखा था, उसके अंदर दो कोलन सैक प्रेजेंट है और हर सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? ये एक पोटेंशियल पोलन है, मतलब इसके थ्रू ही पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये डेवलप होता है टू फॉर्म पोलन मदर सेल, जिसके अंदर फर्दर मियोसिस होगा टू फॉर्म पोलन ग्रेन। स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन और इट इज ऑल्सो नोन एज पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल का नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड? ऑब्वियसली डिप्लॉइड, सो इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। स्पोरोजिनस टिश्यू समझ आ गया सबको? अब इसी में ही हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू पे। ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अराउंड कैलोज वॉल की सिंथेसिस होती है। कैलोज वॉल, ये जो है कैलोज वॉल से सराउंडेड होता है। डिप्लॉइड इन नेचर है, ये कैलोज वॉल है। एंड ये मैच्योर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू टू फॉर्म पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल में हम लोगों को पता है कि माइक्रोस्पोर क्या है? मेल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? पोलन मदर सेल है तो हम लोगों को उससे क्या बनाना है? माइक्रोस्पोर बनाना है। तो माइक्रोस्पोर का नेचर कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड। तो पोलन मदर सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो इसमें दो मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस वन एंड टू। सो मियोसिस वन एंड टू हो गए तो चार माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। ये सब हैप्लॉइड नेचर होगा सबका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मींस क्या होता है? फोर। तो इसमें चार है इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और इनिशियली जो है ये चारों एक दूसरे से बाइंड होते हैं थ्रू कैलोज। ये क्या है? कैलोस। सो अब हम लोगों को क्या करना है? इसको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए कैलेज एंजाइम आएगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? टेप्टम। और कौन सा टेप्टम? एमीबॉइड टेप्टम या पेरिप्लाज्मिक टेप्टम। सो एमीबॉइड टेप्टम से कैलेज एंजाइम आएगा, कैलेज फ्रॉम टेप्टम, जो कि सबको फ्री कर देगा। तो हमारे पास क्या होंगे? चार माइक्रोस्पोर होंगे। किसी को इसमें कुछ डाउट है? गुड इवनिंग उपेंद्र, गुड इवनिंग रिया।
कैलोज क्या है? कैलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि इन चारों को बाइंड करके रखता है इनिशियली, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है इसलिए। गुड इवनिंग अर्पिता, नो डाउट। ओके सो आगे मूव करते हैं। ये क्या हो गया? फ्री माइक्रोस्पोर फॉर्म हो गया हमारे पास। अब माइक्रोस्पोर के हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, दो लेयर्स होती है सराउंडिंग में, ये माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर है तो इट इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाय एक्साइम एंड इंटरनली बाय इंटाइम। एक्साइम जो है किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन ये फैट का बना होता है, स्पोरोपोलेमिन फैटी इन नेचर। और इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे स्पोरोपोलेमिन एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट होगा उसको जर्म पोर बोलते हैं। और इसी पोजीशन के थ्रू पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब निकलता है। सो जर्म पोर जो है मोनोकॉट में दो जर्म पोर होते हैं एंड डाइकोट में तीन जर्म पोर होते हैं। किसी को कुछ डाउट इसमें? यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू के अराउंड कैलोज वॉल का सिंथेसिस होगा, फिर इसमें मियोसिस वन एंड टू होगा, चार सेल्स आएंगे, दीज आर माइक्रोस्पोर। और ये कैलोज से बाइंड होता है सो दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब टेपटर्म के थ्रू कैलेज एंजाइम आएगा जो कि कैलोज को ब्रेक डाउन करेगा और ये फ्री माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। और हर माइक्रोस्पोर जो है सराउंडेड होता है एक्सटर्नली बाय अ लेयर कॉल्ड एक्साइम और इंटरनली बाय अ लेयर कॉल्ड इंटाइल। और एक्साइम जो है स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और स्पोरोपोलेनिन का नेचर होता है फैटी, और इंटाइन सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है। और जहां पे एक्साइम एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट होता है उसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और मोनोकॉट में दो जर्म पोर होते हैं और डाइकॉट में तीन जर्म पोर होते हैं। किसी को इसमें डाउट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में?
कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना टेप में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड होता है बाय फोर लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटर्म। टेपटर्म जो है पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दो टाइप का होता है, एमीबॉइड और पेरिप्लाज्मिक सिक्रीटरी एंड ग्लैंडुलर। एमीबॉइड कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है और ग्लैंडुलर जो है थिकनिंग ऑफ एक्साइम में हेल्प करता है। नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर फर्स्ट में देख लेना, उसमें है टेपटर्म क्या होता है। माइक्रोस्पोर्स में डिवीजन नहीं होगा, पोलन मदर सेल में डिवीजन होगा। पोलन मदर सेल पोटेंशियल पोलन होता है। पोटेंशियल पोलन मतलब कि इसके थ्रू पोलन की फॉर्मेशन होगी। सो पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस वन एंड टू होगा, तो चार माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे हमारे पास। सो ये माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है। ये है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में डिवीजन होगा जो कि माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एक्साइम जो लेयर होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का नेचर कैसा होता है, फैटी नेचर होता है। और ये एक्साइम की जो थिकनिंग होती है इसमें कौन हेल्प करता है, टेपटर्म हेल्प करता है, वो जो भी ग्लैंडुलर टेपटर्म जो होता है वो हेल्प करता है। और क्या है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, मतलब इतना स्पोरोपोलेनिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है सब चीजों के। मतलब पोलन मदर सेल में ही डिवीजन होगा। हाँ निशाद, पोलन मदर सेल में डिवीजन होगा जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू ही पोलन मदर सेल है। बस ये मेच्योर होता है टू फॉर्म पोलन मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू इनिशियली प्रेजेंट होता है ना उसके अंदर। डायर के बाद टेट्राड बनता है, मतलब सरताज क्या पूछ रहे हो मैम, डायर के बाद टेट्राड बनता है, मियोसिस वन के बाद डायर बनेगा कि नहीं। हम लोगों के सिलेबस में तो यही है, मियोसिस वन एंड टू होगा। ऑब्वियसली मियोसिस वन होगा तो दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बनेंगे दो सेल्स, डायर ही होगा, बट उसका नेमिंग ऐसे दिया नहीं है कुछ। मियोसिस वन एंड टू दोनों होगा तो चार सेल्स बनेंगे, इसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। डायर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टेट्राड का ही मेन मतलब यूज है। क्योंकि अगर मियोसिस वन होगा तो ऑब्वियसली मियोसिस टू भी जरूर होगा। दोनों मियोसिस होते हैं ना कंप्लीट होने के लिए, मियोसिस वन एंड टू दोनों होगा तो फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, टेट्राड ही फॉर्म होगा ना। और किसी को कुछ डाउट, ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
पोलन ग्रेन का साइज क्या होता है? पोलन ग्रेन का साइज जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूरा एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पैलिनोलॉजी क्या होता है? लॉजी मींस स्टडी, सो पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलेनिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पोरोपोलेनिन फैटी नेचर होता है और ये रेजिस्टेंट होता है सब एसिड, एल्कली, सब हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सबके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होता है, जिसके वजह से इसका हम लोग फॉसिल्स में यूज करते हैं, स्टडी के लिए यूज करते हैं स्पोरोपोलेनिन। सो इसका डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, ये सब ये मेन है, रेजिस्टेंट होता है, इसको मतलब डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है स्पोरोपोलेनिन को, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। Can't be degraded by any enzyme. अभी तक कोई एंजाइम सिंथेसिस नहीं हुआ है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। Can't be degraded by any enzyme. Not affected by high temperature. Strong acid, and alkali, जिसके वजह से इसका यूज होता है इन दिस स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड फॉसिल्स। किसी को इसमें डाउट है? स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन फैटी नेचर होता है और ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब ये कोई भी एंजाइम अभी तक सिंथेसिस नहीं हुआ है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, और ये हाई टेम्परेचर होगा तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसिड पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता इससे, और एल्कली पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा स्पोरोपोलेनिन पे, और इसी
इसी वजह से ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली से अफेक्टेड नहीं होता है, इसीलिए इसकी स्टडी में बहुत यूजेस है क्योंकि इसका डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना, स्पोरोकोलेनिन आर्कियोलॉजिकल के बाद क्या है, जियोलॉजिकल, GEOLOGICAL। स्पोरोकोलेनिन एंजाइम से प्रोटेक्ट नहीं होता है, स्पोरोकोलेनिन एक लेयर है, एंजाइम जो लेयर है वो स्पोरोकोलेनिन की बनी होती है, जो इसका इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये किसी से डिग्रेड नहीं होता है, स्पोरोकोलेनिन किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है। हाँ वो मतलब पोलन को एंजाइम से सेफ ही रखेगा ही, क्योंकि ये जब ये ही डिग्रेड नहीं होगा तो आगे उसके अंदर तो कोई इफेक्ट होने के चांसेस है ही नहीं। नेचर कैसा होता है स्पोरोकोलेनिन का, स्पोरोकोलेनिन सेल नहीं है, नेचर ओके, फैटी एसिड, फैटी नेचर होता है, फैटी। क्लियर? नेक्स्ट है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मतलब उसमें फर्दर माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हुआ है उसमें फर्दर डिवीजन होगा, या तो दो सेल डिवीजन होंगे, टू सेल स्टेज आएगा या थ्री सेल स्टेज आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है। सो सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर है, सो माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ये हैप्लॉइड इन नेचर है तो मियोसिस तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो सेल फॉर्म होंगे, ये जो बड़ा वाला सेल होता है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जो इसके वेजिटेटिव सेल के अंदर एक सेल फ्लोट करता है उसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और दोनों का नेचर होता है हैप्लोइड। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये हो गई दो सेल स्टेज, ये जो जेनरेटिव सेल है ये कैलोज बॉल से सराउंडेड होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा,
जेनरेटिव सेल कैलोज वॉल से सराउंडेड हुआ। ये जेनरेटिव सेल है और ये कैलोज वॉल है। ये दो सेल स्टेज हो गया, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, तो इसको हम लोग टू सेल स्टेज बोलते हैं। अब इसमें फर्दर एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि जेनरेटिव सेल में होगा। जेनरेटिव सेल क्या करता है, इट इज अ गैमीट फॉर्मिंग सेल, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, तो गैमीट्स फॉर्म होंगे दो, ये ट्यूब न्यूक्लियस होगा, माइटोकैमिक्स, ये माइक्रोस्पोर है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो सेल प्रोड्यूस होंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल फॉर्म करता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसका, क्योंकि ये फर्दर जो है वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जेनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड इन नेचर होता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जेनरेटिव सेल सराउंडेड होता है बाई कैलोज वॉल, कैलोज वॉल से सराउंडेड होगा जेनरेटिव सेल। ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, इसी के अंदर है ना, तो ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें दो सेल्स है तो इसको हम लोग टू सेल स्टेज भी बोलते हैं। नॉर्मली 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है वो टू सेल स्टेज में होती है, मतलब इस स्टेज में जो है 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट में क्या होगा, जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और इसको बोलते हैं हम लोग थ्री सेल स्टेज। तो ये हमारा प्रोसेस क्या था, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो हमारे पास गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं, सो दिस इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले माइटोसिस वन हो, माइटोसिस होगा तो दो सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल। फिर जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस होगा तो ये दो मेल गैमेट फॉर्म करेगा। ये वेजिटेटिव सेल है और ये जेनरेटिव सेल है। किसी को इसमें डाउट? हाँ, जेनरेटिव सेल स्मॉलर साइज में होता है और ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज एंड जेनरेटिव सेल इज स्मॉलर इन साइज।
जहाँ माइटोटिक होता है वही हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में और डिप्लॉइड में दोनों में माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस में क्या होगा, फर्दर ये दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है ऑफ सेम नेचर। अगर ये डिप्लॉइड है तो भी ये दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा ऑफ सेम नेचर, लेकिन मियोसिस जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन डिविजन होता है, जो कि सिर्फ डिप्लॉइड में ही पॉसिबल है। इसमें किसी को डाउट, या नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सबको पता है स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड इन नेचर होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड इन नेचर होता है एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसे पता चलता है कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ऐसे पता चलता है कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? वो नेचर होता है सेल का, वो ऑलरेडी सेल मतलब फिक्स है कि कौन सा सेल डिप्लॉइड है कौन सा सेल हैप्लॉइड है, उसमें कुछ पता करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इसमें पूछ रहे हो तो स्पोरोफाइट को हम लोग जनरली डिप्लॉइड बोलते हैं, गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं उनको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया तो सबसे पहले जो हैप्लॉइड सेल हम लोगों का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्म हुआ वो क्या था, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। सो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या है, फर्स्ट सेल है ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये सब टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोगों का स्टेटमेंट फॉर्म में ये सब पूछ सकते हैं, तो ध्यान से मतलब माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये सब डिफरेंशिएशन याद रखना। माइक्रोस्पोर या फिर इसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। माइक्रो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अभी हम लोगों ने देखा था पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है जो कि उसको दो सेल्स फॉर्म करेगा, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल जनरली बिगर इन साइज होता है और जेनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज होता है और ये फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने, ये फर्स्ट माइटोटिक, एक माइटोटिक डिवीजन हो गया। फिर क्या होता है, एक और माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें ट्यूब सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ट्यूब सेल डजंट डिवाइड बट प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, ट्यूब सेल डिवाइड नहीं करेगा लेकिन पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब एंड जेनरेटिव सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट। So this process is known as microgametogenesis. Next बोला था कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो टू सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं, मतलब कि टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाती है। तो टू सेल स्टेज कौन सा था, ये वाला जिसमें न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। पॉलन ट्यूब जो फॉर्म हो रहा था, हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था, इसमें पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब था और इसके अराउंड क्या था, एग्जाइम था। तो हम लोगों ने क्या पहले डिस्कस किया था कि जर्म पोर होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो जर्म पोर पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा, तो ये जो पॉलन ट्यूब होगा ये किसका बना होगा, इंटाइन का बना होगा क्योंकि इंटाइन से डेवलप हो रहा है ना। तो इसका नेचर क्या होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन, क्योंकि इंटाइन का नेचर क्या होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन and is covered by intyme, obviously cellulose and pectin से बना तो intyme से covered होगा and is covered by intyme। next pollen viability, pollen viability पॉलन वाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन कितने टर्म के लिए वाइबल होता है, कितने टाइम के लिए पॉलन ग्रेन वाइबल होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलन वाइबिलिटी। और उसी टाइम के अंदर हम लोगों को पॉलिनेशन परफॉर्म करना होता है, अगर उस टाइम के अंदर पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो पॉलन ग्रेन जो है उसका यूज नहीं आएगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, उसमें या तो पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी या कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होगा, अगर उस वायबिलिटी उसका लॉस हो जाएगा तो। सो पॉलन वायबिलिटी डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। सो जनरली पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट्स होता है इन वीट
राइस एक्सेट्रा एंड वन मंथ होता है इन द फैमिली ऑफ रोसेसी. इनकी फैमिली में जनरली वन मंथ होता है और 30 मिनट्स होता है इन वीट राइस और लेग्यूमिनेसी. ये याद रखना पॉलन ग्रेन किसमें कितने टाइम के लिए वाइबल होता है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? डिप्लॉयड याद रखना कि कौन, बस जो तुम लोगों के सिलेबस में है उतना याद रखना. ऐसे नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा वगैरह याद करने की जरूरत है. जो सिलेबस में टर्म्स है उससे रिलेटेड सबका नेचर याद रखना. हैप्लॉयड कौन सा होता है, डिप्लॉयड कौन सा होता है, मे बी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं. ट्यूब सेल क्या है? ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस देखा था हम लोगों ने, उसी को हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं. ट्यूब सेल वेजिटेटिव सेल का अल्टरनेट नेम ट्यूब सेल है और उसमें ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वाइबिलिटी सेकेंड टॉपिक एक बार और रिपीट कर दीजिए. ओके, माइक्रोस्पोर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट कर सकते हो. स्पोरोफाइट क्या होता है, जो डिप्लॉयड नेचर होता है, और स्पोरोफाइट क्या होता है, सॉरी स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड नेचर होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है जो हैप्लॉयड नेचर होता है. सो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट में जो सबसे पहला सेल है वो कौन सा है, दैट इज माइक्रोस्पोर. क्योंकि पॉलन मदर सेल हमारा था पहले, उसमें मियोटिक डिविजन होगा 1 और 2, तो वो क्या फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉयड इन नेचर है. तो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. अब हम लोगों ने उसके आगे क्या देखा था, माइक्रोस्पोर में इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि दो सेल प्रोड्यूस करेगा, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो सेल स्टेज होती है ये, टू सेल स्टेज. और नॉर्मली पॉलिनेशन जो होता है 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो इसी स्टेज में होता है. और वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज होता है और जेनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज होता है, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है. नेक्स्ट है ट्यूब सेल डिवाइड नहीं करता है, वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है. और जेनरेटिव सेल में फर्दर एक और माइटोटिक डिविजन होता है जो कि दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन टू सेल स्टेज में शेड होते हैं. और पॉलन ट्यूब जो है वो इंटाइन की बनी होती है, और इंटाइन का नेचर क्या होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन. सो पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. पॉलन वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या होता है कि कितने टाइम के लिए वो चीज वायबल है, जिसने वायबिलिटी मतलब कि वो उतने टाइम में अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगी. अगर उसका वो टाइम खत्म हो जाता है तो वो उसके बाद अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी. मतलब कितने टाइम के लिए वो चीज वायबल है उसको बोलेंगे हम लोग पॉलन वायबिलिटी. सो पॉलन वायबिलिटी डिफर करता है, जरूरी नहीं है सब प्लांट्स में सेम होगा. जनरली 30 मिनट्स होता है इन वीट एंड राइस एंड वन मंथ होता है इन रोसेसिये सोलनेसिये एंड लेग्यूमिनेसिये फैमिली में. ये एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, वन मंथ के बाद लिखा है रोसेसिये सोलनेसिये एंड लेग्यूमिनेसिये. किसी को इसमें कुछ डाउट है?
किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक यही एंड करते हैं, बाकी हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अभी स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर आधा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सो कल से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज गायनोशियम। आज वाले पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। किसी ने एमसीक्यू सॉल्व किया है फर्स्ट चैप्टर का? No doubt, okay. Size of pollen grain. Pollen grain का size क्या होता है? रिया अंजलि, यूनिट भी साथ में लिखना है। 25 to 50 नैनोमीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। सो यूनिट भी मैटर करता है। करेक्ट, 25 to 50 माइक्रोमीटर। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड एंड एल्किली। हम लोग का दो पॉइंट रह गया था। पॉलन ग्रेन को जो है जनरली स्टोर्ड होता है एट क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, कितना टेम्परेचर होता है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं? -196
डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन. नेक्स्ट है पॉलन एलर्जी. पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, सबको पता है. कौन कौन सी एलर्जी होती है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और पार्थेनियम कैरेट ग्रास है. कैरेट ग्रास जो कि वीट के साथ लाया गया था, वीट के साथ ये लाया गया था, जो कि एलर्जिक होता है. और पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स भी मिलती है मार्केट में. वो पॉलन ग्रेन जो है बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और इसकी मार्केट में टैबलेट मिलती है. एथलीट्स जो है अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जनरली पॉलन ग्रेन कंज्यूम करते हैं, उसकी टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं एथलीट्स लोग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन? पूरी कहानी खत्म हो गई. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट है. पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करेगा. मेल यूनिट जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी फाइनली, वो क्या होगी? पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन जो है जाके फर्टिलाइज करेगा. पॉलन ग्रेन क्या था? गैमीट प्रोड्यूस कर रहा था ना. पॉलन ग्रेन से गैमीट प्रोड्यूस हो रहे थे, तो गैमीट जो होंगे वही तो फर्टिलाइजेशन कराएंगे ना. समझ आ गया निशात? या दोबारा बोलूं? क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेम्परेचर है, जो कि माइनस, इस टेम्परेचर को हम लोग ने एक टर्म दिया है क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमिट फॉर्म करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा. और किसी को कुछ डाउट है? हाँ, पूरे में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए. ओके, सो पॉलन ग्रेन को हम लोग कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? पॉलन ग्रेन इज स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? अंजलि, मेरा क्वेश्चन था पॉलन ग्रेन कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है.
निशात अभी तो पढ़ाया मैंने पॉलन ग्रेन कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, -196 डिग्री सेल्सियस एट लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन टू सेल स्टेज में परफॉर्म होती है? मिस्टर माइसेल्फ प्राइस, व्हाई डोंट यू कम एंड टीच अस? यूट्यूब के सामने बैठ के लिखना बहुत आसान है, इतना है तो क्रैक करके आना नीट, फिर आगे पढ़ाना, हम लोग जरूर आएंगे पढ़ने तुमसे। ओके आई विल श्योर, अपना नाम तो बता दो, डुप्लीकेट आईडी से कोई भी आ सकता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं भी अपनी स्टडीज छोड़ के पढ़ा रही हूँ, सर ने बस बोला था इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मेरे पास भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। बेटर है माइसेल्फ प्राइस जाके पहले पढ़ाई करो फिर आके दूसरों को लेक्चर देना, बैठ के बोलना बहुत आसान होता है लेकिन क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ओ आई एम डॉक्टर, कहाँ से? ओके लीव, ऐसे फालतू लोग आते रहते हैं, कोई काम है नहीं उनके पास, मुझे नहीं लगता डॉक्टर होते तो यहाँ पे ऐसे कमेंट करने आते। और बाय द वे मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके प्लीज गो, वी डोंट वॉन्ट यू हेयर, यू कैन गो। मिस हॉरर किंग, कौन हो भाई, अपना नाम तो बता दो। किसी को कुछ डाउट है? Leave it. Next question है, Callow's wall is synthesized by which type of tapeworm?
और अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्लास करने में तो बोल सकते हो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, कल से हम लोग बायो क्लास एंड कर सकते हैं, मेरे पास अपना पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। ओके, सो उसका आंसर क्या था? एमीबॉइड और पेरिप्लाज्मिक टेपटर्म जो है फॉर्मेशन करता है कैंडोज वॉल, और थिकनिंग ऑफ एक्साइन में कौन सा टेपटर्म हेल्प करता है? एक्साइन की थिकनिंग में कौन से टाइप का टेपटम हेल्प करता है? थिकनिंग ऑफ एक्साइन इज डन बाय विच टाइप ऑफ टेपटम? स्पोरोपोलेनिक। टेपटर्म की टाइप्स क्या होते हैं पहले तो वही बता दो फिर। एक्साइम बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, वो करेक्ट है, बट मैं पूछ रही हूँ कि एक्साइम की जो थिकनिंग होती है, थिकनिंग ऑफ एक्साइम, वो कौन सा टेपटर्म परफॉर्म करता है? किस टाइप का टेपटम होता है जो थिकनिंग ऑफ एक्साइन हेल्प करता है? टाइप क्या है टेपटम का जो कि थिकनिंग ऑफ एक्साइन करता है? हम लोगों ने टेपटम के दो टाइप डिस्कस किए थे, एक टेपटम के दो टाइप थे, एमीबॉइड और पेरिप्लाज्मिक एंड सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर। एमीबॉइड और सिक्रीटरी, एमीबॉइड का फंक्शन क्या था? फूड मटेरियल रिलीज करता है, और एक और फंक्शन था कैलोस वॉल का सिक्रीशन करता है। और सिक्रीटरी का फंक्शन क्या था? एक तो वो फूड मटेरियल जो रिलीज किया है एमीबॉइड ने उसको ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ लिपिड रिच बॉडी कॉल्ड ल्यूबिश बॉडी, और एक्साइन की थिकनिंग में हेल्प करता है।
पॉलन वायबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन जो है कितने टाइम के लिए वायबल है, कितने टाइम में अगर पॉलिनेशन परफॉर्म हुआ तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करेगा। अगर उतने टाइम में पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसकी वायबिलिटी लॉस्ट हो जाती है और फर्दर या तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी या कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होगा जिसके वजह से पॉलिनेशन तो हो जाएगा बट आगे जो प्रोसेसेस है फर्टिलाइजेशन वगैरह की वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो वो अपनी वायबिलिटी लॉस्ट कर देता है, उसको बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। मतलब कितने टाइम के लिए वो पोलन ग्रेन वायबल होता है उसको हम लोग बोलेंगे पोलन वायबिलिटी। क्लियर? ओके, सो किसी को कुछ डाउट है पूरे क्लास में आज, नहीं तो जितने प्रीवियस लेक्चर हुए हैं सब में पूछो। ओके, नो डाउट। सो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय। हाँ बबीता पूछो क्या क्वेश्चन है। जो ग्राफ्टिंग होती है वो मोनोकॉट प्लांट में पॉसिबल क्यों नहीं होती है? मैं इसका आंसर कर दूंगी, आज का क्लास यही एंड करते हैं, बाय, थैंक यू।